सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। इस छोटे से वीडियो में हम इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए डेली क्विज करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, एग्जाम के स्तर का होता है। आपको पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और किस प्रकार की तैयारी आप लोगों की होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन हमने कल लिया था, ये दूसरा क्वेश्चन है। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड या फिर इंग्लिश सेकंड ग्रेड की ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहा है तो 15 अक्टूबर से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस शुरू हो जाएंगे। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दे, आपको कंप्लीट सूचना दे दी जाएगी, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब आते हैं अपन आज के क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। द इंक्रीज्ड पॉलिटिकल कंपटीशन कैन ओनली मेक डेमोक्रेसी मोर वाइब्रेंट। ये है द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ए। आपको पूछा है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस का ये क्या है। ऑप्शंस पे चले जाइएगा। पहला ऑप्शन है एडजेक्टिव फ्रेज, दूसरा ऑप्शन है नाउन फ्रेज, तीसरा ऑप्शन है एडवर्ब फ्रेज और चौथा ऑप्शन है प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसका मतलब एक बात क्लियर होगी कि जो अंडरलाइन पार्ट है वो फ्रेज है। ये तो कम से कम क्लियर होगी कि ये फ्रेज है, चारों ऑप्शंस पे फ्रेज आया हुआ है। अब फ्रेज होती क्या है, न केवल फर्स्ट ग्रेड बल्कि सेकंड ग्रेड में भी, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में ग्रामर लगभग 45% सिलेबस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो ग्रामर वाला है वो लगभग सेम है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का एक समूह होता है जिसको फ्रेज कहते हैं। और उस शब्दों के समूह में क्या नहीं होनी चाहिए, उस शब्दों के समूह में एक वर्ब नहीं होनी चाहिए, वर्बल यूनिट नहीं होनी चाहिए, वर्बल फ्रेज नहीं होनी चाहिए। वर्बल फ्रेज का मतलब ये होता है कि उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होनी चाहिए। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब नहीं होनी चाहिए जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदल जाए या फिर टेंस के अनुसार बदल जाए, ऐसी वर्ब नहीं होनी चाहिए। यानी फ्रेज वो ग्रुप होता है जिसमें वर्ब नहीं होती है, उसका अपना सब्जेक्ट नहीं होता है, उसको फ्रेज कहते हैं। जब आप लोगों को हम ये कोर्स करवाएंगे, जब आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे बेस्ट कंटेंट के लिए, सबसे अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को, तब आप लोगों को इस चैप्टर को डिटेल से समझाया जाएगा कि वर्ब होती क्या है, फ्रेज क्या होती है। अब देखते हैं इसमें इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर जो है वो है नाउन फ्रेज है। ये जो अंडरलाइन पार्ट है वो क्या है, नाउन फ्रेज है। अब नाउन फ्रेज क्या होती है, अभी हमने देखा कि फ्रेज क्या होती है। फ्रेज वो शब्दों का समूह होता है जिसकी अपनी वर्ब नहीं होती है, जिसका कंप्लीट सेंस नहीं होता है, वो शब्दों का समूह फ्रेज कहलाता है। ठीक है, अब फ्रेज में नाउन फ्रेज कौन सी होती है, वे फ्रेज जो नाउन की तरह काम करती हूं, जो नाउन के स्थान पे काम करती हो, नाउन के जैसे काम करती हो, उनको नाउन फ्रेज कहते हैं। ठीक है, अब नाउन क्या क्या काम कर सकता है, नाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है। नाउन क्या करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। यदि कोई फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रही है तो आप मानना कि वो क्या है, नाउन फ्रेज है, क्योंकि वो नाउन की जगह काम आई है। ये इसका सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। क्लियर होगी बात। ये जो यूज हुई है ये क्या है, नाउन फ्रेज है। अब हम एक के देखते हैं कि नाउन फ्रेज के क्या क्या काम हो सकते हैं, कैसे कैसे आपको पता चले कि नाउन फ्रेज हो सकती है। देखिएगा, अ फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन और एनी एसोसिएटेड मॉडिफायर। वो फ्रेज जिसमें या तो नाउन हो, प्रोनाउन भी हो सकता है नाउन फ्रेज में, और उसके एसोसिएटेड मॉडिफायर्स हो सकते हैं। मॉडिफायर्स का मतलब जिस प्रकार से नाउन है उससे पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव है उससे पहले क्या आ गई, एडवर्ब आ गई, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मॉडिफायर्स कहलाते हैं। क्लियर होगी बात। यानी नाउन फ्रेज वो होती है जिसमें या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा और उसके साथ कुछ उसके मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं। क्लियर बात है। आगे देखिएगा,
एज इन द केस विद नाउन्स, जैसा नाउन के साथ होता है, नाउन फ्रेज में एक्ट एज अ सब्जेक्ट, एक नाउन फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर सकती है, ठीक है। और किसका काम कर सकती है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और वर्बल, किसका काम कर सकती है? ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। किसके ऑब्जेक्ट का? वर्ब के ऑब्जेक्ट का। देखिए बेटा, अब आप लोग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जिसको आप ऑब्जेक्ट कहते हैं वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। किसका ऑब्जेक्ट होता है? वर्ब का। इसलिए आपको ऑप्शंस में मिलेगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब या फिर वर्बल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है वो, जो आपका नाउन है या नाउन फ्रेज है वो क्या क्या काम कर सकता है, या तो वो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। सारी चीजें, सारी की सारी चीजें आपको बहुत डिटेल से समझाने वाले हैं। जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे हमसे रीट में जुड़े हुए थे, उनको जानकारी है कि हम किस प्रकार से एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाते हैं, तो वो तो जानते हैं। जो बच्चे नए हैं वो भी जान लें कि आपको कंटेंट बेस्ट मिलने वाला है। बस आप समय रहते कोर्स ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको समय रहते आपको पूरा किया जा सके, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकें। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। कौन? नाउन फ्रेज। क्या क्या हो सकती है? कई कई बार तो क्वेश्चन सीधा सीधा सा आता है कि नाउन फ्रेज कैन एक्ट एज, एक नाउन फ्रेज किस किस के रूप में काम करती है। ये सब्जेक्ट के रूप में काम करती है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है, उसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करती है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करती है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, किसी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब देखो, आप देखेंगे सर, अभी आपने बताया था कि ऑब्जेक्ट वर्ब का भी है और ऑब्जेक्ट किसका है? प्रपोजिशन का भी है। प्रपोजिशन के बाद में जो नाउन आता है, प्रपोजिशन के बाद नाउन ही आएगा, और प्रपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कहलाता है। क्लियर हो गई बात? अब इसको देखिएगा आप लोग, इंक्रीज्ड, इसमें जो वर्ड है वो है कौन सा? कंपटीशन की बात कर रहे हैं, और ये इसके मॉडिफायर्स हैं। कौन? पॉलिटिकल कंपटीशन। कैसा कंपटीशन? पॉलिटिकल कंपटीशन। वो भी कैसा? बढ़ा हुआ। तो इंक्रीज्ड वर्ड है ये, इसके लिए क्या है? एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है ये, जो पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। अब देखिएगा आप लोग, इसमें थोड़ा और समझा देता हूं कि प्रपोजिशनल फ्रेज सब्जेक्ट का काम कैसे करती है। जिस प्रकार से देखिएगा, स्मॉल चिल्ड्रन ऑफन इंसिस्ट दैट दे कैन डू एनीथिंग बाय देमसेल्फ। छोटे बच्चे अक्सर इस बात पे जोर देते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि वो खुद कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें ये जो स्मॉल चिल्ड्रन है, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। इसका जो हेडवर्ड है चिल्ड्रन है, तो ये इसमें स्मॉल इसका एडजेक्टिव है। तो ये देखो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। कौन? ये आपकी फ्रेज है स्मॉल चिल्ड्रन, और ये कौन सी फ्रेज? अभी नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट के रूप में काम करती है। इसका जो हेडवर्ड है वो चिल्ड्रन है। आई लाइक, देखो अब ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है वर्ब का। आई लाइक इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स। मुझे कैसे स्टूडेंट्स पसंद है? इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब लेबोरियस, जो बहुत मेहनत करते हों, मेहनत की चरम सीमा तक जाते हों, ऐसे बच्चे पसंद है जो मेहनत की चरम सीमा तक जाते हों। स्टूडेंट इसमें हेडवर्ड है और इंडस्ट्रियस इसका एडजेक्टिव है। तो इसमें जो नाउन फ्रेज है वो है इंडस्ट्रियस स्टूडेंट, जो इस सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रही है। क्लियर हो गई ये बात? ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। देखिएगा, प्रपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन कहलाता है। देखिएगा, ही कुड सक्सीड, वह सफल हो सका, ओनली बाई हिज हार्ड लेबर। सिर्फ किस वजह से? अपने हार्ड लेबर से सफल हो सका। ये जो पार्ट है इसमें कोई वर्ब नहीं है, ये ग्रुप है, ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज क्यों है? ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। किसका? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का। बाई प्रेपोजिशन है, उसके बाद ये देखिएगा पूरा है। इस पूरी को प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसमें लेबर जो है वो मेन वर्ड है, हार्ड, हीज, ये सारे के सारे इसके मॉडिफायर है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नाउन फ्रेज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करती है। डॉक्टर शर्मा इज डिलीजेंट टीचर। डिलीजेंट का मतलब भी होता है लेबोरियस, हार्ड वर्क,
मुझे हार्ड वर्क बहुत पसंद है, आप लोग बहुत मेहनत कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ बहुत मेहनत करूंगा। तो ये डॉक्टर शर्मा जो है, इसके साथ इज जो वर्ब है लिंकिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। और इसके बाद ये जो फ्रेज आई है ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि डॉक्टर शर्मा ही कौन है? डिलीजेंट टीचर है, तो टीचर इसमें नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव है, तो नाउन फ्रेज हो गई ये भी। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, आई कंसिडर मोहित, ये ऑब्जेक्ट है इसका, और मोहित कौन है? माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसको फ्रेज इन अपोजिशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया, उसके बाद देखिएगा आप लोग। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को बताया, हालांकि नाउन फ्रेज 11 प्रकार के काम कर सकती है, हमने आपको 5-6 पढ़ाए हैं। यदि आपको ये ठीक लगा हो और आपको लगता है कि आपकी तैयारी हम बहुत अच्छी करवा सकते हैं, तो आप आज ही इस नंबर पे मैसेज करके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के कोर्सेज ज्वाइन करने की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक बात और, एक और चैनल है हमारा वीनस वर्ल्ड, WINNERS वीनस वर्ल्ड, उस पर भी हम इस प्रकार की क्विज डालते हैं, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पे उसको भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।